खबर शामिल करते हैं। लाहौर से चेयरमैन पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन हाजी ताज मोहम्मद खान की सीनियर एंकर हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत अवामी जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के हर अदारे और पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। मजीद देखते हैं हसन अब्बास बुखारी से क्या गुफ्तगू हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आप पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं पाकिस्तान के, हाजी ताज मोहम्मद साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानते हैं कि पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है और मंशूर क्या है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हसन बुखारी साहब, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी एक मुजाहिद की तरह हमारा पाक सिविल सोल्जर में यहाँ पे तशरीफ़ लाया। मैं मशकूर भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दोस्तों, मैं ताज मोहम्मद, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मंशूर क्योंकि ये 75 सालों में हमारा हमेशा आवाम को मोरदाबाद जिंदाबाद में इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह पाक सिविल सोल्जर इसलिए मैंने महसूस किया क्योंकि मेरे दिल में अरमान भी था कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊं ताकि इस मज़लूम आवाम को साथ देने के लिए अपने इदारों को मजबूत करूं। जब तक दोस्तों, मेरा पाकिस्तानियों, मेरा बुज़ुर्गों, जब तक पब्लिक अपना इदारों को साथ नहीं देंगे, इस मुल्क में कभी भी दहशतगर्दी, चोरी, डकैती और जुल्म ज्यादती कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पाक सिविल सोल्जर आवाम को ये शऊर दे रहा है कि अपने इदारों को मजबूत करें, अपने इस मजलूम आवाम को साथ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पाक सिविल सोल्जर ने मुतासरीन के लिए जितना काम किया, मैं खुद मैं एक वर्कर की तरह मैं निकला हूँ पूरा पाकिस्तान में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुतासरीन के लिए यहाँ से राशन भिजवाया और ख़ुद गया था मैं, और बाकी मैंने के बलूचिस्तान अफचौकी तक हमने राशन वहाँ पे भिजवाया। और अपना पाकिस्तानियों भाइयों के लिए, वो हमारा बच्चे इस पाकिस्तान के, और बाकी हमारा पाक सिविल सोल्जर मजीद इंशाल्लाह इस कौम के लिए कुछ करना चाह रहा है, इस गरीबों के लिए। ऑलरेडी हम दीपालपुर तहसील में अल्हम्दुलिल्लाह हर पिंड में, हर यूसी में हम जा रहे हैं, लोगों को मसाइल सुन रहे हैं, लोगों के साथ कोई जुल्म ज्यादती, कोई गरीब है, कोई गुरबा है, उसके लिए हम मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद और भी हम करते रहेंगे। हाजी ताज खान साहब, आपने फलाई कामों के हवाले से बात की है, हमने आपका वर्क देखा है, आपने सैलाब जदगान के लिए काफ़ी राशन भिजवाया है, तो ये मुस्तकिल तौर पर जो गरीब आवाम है, इसको आप महाना बेस पे राशन का कुछ सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पाक सिविल सोल्जर अभी पूरा साल भी पूरा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर तक हमारा बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में, हम मजीद इंशाल्लाह पाक सिविल सोल्जर का जो दिल में अरमान है, क्योंकि मैंने इस गरीब गुरबा आवाम के लिए मैंने कसम उठाया हुआ है कि हम बग़ैर लालच, एक तो हमारा तंजीम है गैर सियासी, हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह तंजीम तो वो होना चाहिए, लीडर तो वो होना चाहिए, बग़ैर मकसद इस आवाम को खिदमत करे। हाजी ताज खान साहब, मैंने आपकी गुफ्तगू पहले भी आपके पेज पे भी देखी है कि आप पाकिस्तान आर्मी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह, हर आदमी को पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है और हम हैं, इस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आर्मी हमारे एक मुल्क का एहसास है, आर्मी को क्यों सपोर्ट हम नहीं करें? पाकिस्तान आर्मी नहीं होंगे तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना आर्मी फख्र महसूस करता है कि सुपर पावर हमारा आर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दुनिया से सुपर पावर आर्मी है। हमारे इदारे जितना भी इंटेलिजेंस इदारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र महसूस करते हैं। और मस्जिद इसलिए तो हम निकला हुआ है क्योंकि और मुल्कों की तरह आर्मी देख लो, अल्लाह ताला ने हमारे को ऐसा आर्मी दिया हुआ है कि मैं बोलूँ कि जितने भी हम शुक्रिया अदा कर सके, हमारे ऊपर बड़ा एहसान है हमारा आर्मी का, हमारे ऊपर। जी, ये थे हाजी ताज मोहम्मद खान साहब, चेयरमैन पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन हैं, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, लाहौर।